हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम मर्जर एंड एक्विजिशन में बेसिकली डीमर्जर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि डीमर्जर के ऊपर आपको नोट लिखना है, राइट? और हम यहाँ पर डीमर्जर्स एंड जो आपका टाइप्स ऑफ डीमर्जर्स है, या डीमर्जर को हम डाइवेस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली डाइवेस्टिजर और डीमर्जर होते क्या है? जैसे कि हम मर्जर पढ़ रहे थे, मर्जर में हम देख रहे थे कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को बाय कर रही थी, या मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना रही थी। मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि कंपनी अपना एक पार्ट, अपना बिजनेस जो है वो क्या है, दूसरे को बेच दे, सेल कर दे, अनदर कंपनी को दे दे, और अपना एक जो पार्ट था बिजनेस का, या उसको एक सेपरेट कंपनी की तरीके से अलग कर दे। तो कभी कभी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ऐसा भी पॉसिबल है कि डीमर्जर की सिचुएशन आए। तो बेसिकली अगर हम देखें क्या रीजंस हो सकते हैं डीमर्जर्स के, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और आप जो है उस बिज़नेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो कोर एरिया है बिज़नेस का, आप वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देने के लिए, बिज़नेस के कोर एरिया पे ज़्यादा अटेंशन देने के लिए लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस को जो अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, या जो अपना उनको लगता है कि हाँ इस बिज़नेस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो बिज़नेस और किसी को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो पहला रीज़न तो हो गया टू पे अटेंशन ऑन कोर एरियाज ऑफ बिज़नेस। जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो उसको अपने पास रखते हो, जहाँ पे आप नहीं फोकस करना चाहते हो उसको आप क्या है, सेल कर देते हो, ठीक है। मे बी आपको लग रहा हो कि आपका कोई एक ऐसा बिजनेस का पार्ट है जो आपको प्रॉपर जितना प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उतना रेवेन्यू ना जनरेट कर पा रहा, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। द साइज ऑफ द फर्म मे बी टू बिग टू हैंडल। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है जिसको आप क्या है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और द फर्म मे बी रिक्वायरिंग कैश अर्जेंटली इन व्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मे बी आपको कैश की ज़रूरत हो, आप पांच बिजनेस चला रहे हो, मे बी आप दो को सेल करके जो वहाँ से पैसा आ रहा है वो अपने पहले थ्री बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, आपको कैश की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए यहाँ पर डीमर्जर की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि डीमर्जर में होता क्या है। देखिए, एक तो वो कंपनी हुई जो कि डीमर्ज होने जा रही है, ठीक है, एक तो हुई आपकी डीमर्ज्ड कंपनी, और डीमर्ज्ड कंपनी से जो एक पार्ट अलग किया गया वो आपका क्या हुआ, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीमर्ज्ड कंपनी है जो कि अपना एक हिस्सा अलग कर कर रिजल्टिंग कंपनी बनाती है, बेसिकली उसको अपनी सारी जो मतलब कि उसकी रिजल्टिंग कंपनी वाली जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र कर देती है, नॉट ऑल, ठीक है। मैं आप कंप्लीट डीमर्जर की बात नहीं कर रही, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो दो टाइप के डीमर्जर होते हैं, एक होता है कंप्लीट डीमर्जर, एक होता है पार्शियल डीमर्जर, अभी हम उसको देखेंगे। यहाँ पर मैं पार्शियल की बात कर रही हूँ। पार्शियल मतलब जैसा आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके पांच बिजनेस हैं और आप दो बिजनेस को बेच रहे हो या एक बिजनेस को बेच रहे हो, सपोज एक को बेच रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आप रिजल्टिंग कंपनी यानी उस एक बिजनेस की जो एसेट और लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर दोगे, और ये जो रिजल्टिंग कंपनी है ये परचेज कंसिड्रेशन देगी, परचेज कंसिड्रेशन जो है वो देगी, ठीक है। अब वो परचेज कंसिड्रेशन जो है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी सेलर हैं, ओनर है डीमर्ज्ड कंपनी के, शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, ठीक है, इनको जो है
परचेज कंसिडरेशन मिलेगा, अब ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, मे बी रिजल्टिंग कंपनी के ये शेयर्स ले रहे हैं अपने डीमर्ज्ड कंपनी के, पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले में नई कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, तो परचेज कंसिडरेशन जो है जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको जो है परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि डीमर्ज्ड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सपोज़ आप मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू अगर मैं कहूँ 200 रुपीज़ है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया अपना 25% बिजनेस जो है वो सेल कर दिया, 1/4 जो है वो सेल कर दिया है, तो इस 200 शेयर्स के बदले अब आपके पास जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास 2 शेयर्स होंगे, ठीक है, 1 शेयर होगा डीमर्ज्ड कंपनी का जिसकी वैल्यू होगी ₹150, और 1 शेयर होगा रिजल्टिंग कंपनी है क्योंकि 25% है, तो 200 का 1/4 हमने क्या करा, ₹50, जो कि शेयर होगा ₹50 का। अब ये बात अलग है कि डीमर्ज होने के बाद इस 150 की मार्केट वैल्यू बढ़ने लगे और 50 की मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग कंपनी के बढ़ने लगे, तो वैल्यू में आप देख रहे हो बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। डीमर्ज्ड कंपनी ने अपना 1/4 हिस्सा जो है रिजल्टिंग कंपनी को सेल कर दिया, एसेट्स जो है उस 1/4 की सेल कर दी, 1/4 की लाइबिलिटी सेल कर दी, रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स में परचेज कंसिडरेशन दे रही है, ठीक है, तो अब शेयर होल्डर के पास एक शेयर जो 200 का था उसके बदले 2 शेयर हो जाएंगे, एक शेयर अपने जो आपकी कंपनी बची हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यू 3/4 हो गई, यानी कि 200 का 3/4 और 1/4 क्या है आपका रिजल्टिंग कंपनी का शेयर हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने मर्जर में भी आपको समझाई थी कि जब कंपनी मर्ज होते हैं तो बेचने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो कंपनी बनती है या जो नई कंपनी होती है उसके शेयर्स या कैश मिलते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, वन बाय वन हम ये देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के डीमर्जर होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सेल ऑफ का मतलब क्या हुआ। सेल ऑफ का मतलब ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें डिफरेंस समझ में आए, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये पहला टाइप क्या बोल रहा है सेल ऑफ, कि अ सेल ऑफ इज द सेल ऑफ एन एसेट, यानी बिजनेस या तो अपनी एक एसेट सेल कर रही है कंप्लीट, या एक फैक्ट्री सेल कर रही है, या बिजनेस अपना जो है एक डिवीजन सेल कर रहा है, या एक प्रोडक्ट लाइन आपको पता होगा, जैसे आप सोप भी बनाते हो, टूथपेस्ट भी बनाते हो, तो टूथपेस्ट बनाने वाला जो है वो आप सेल कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस यूनिट जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं अलग अलग बिजनेस में, जैसे सपोज आप ये कह लो होटल्स हैं, अब अलग अलग लोकेशन पे होटल्स हैं, ठीक है, तो एक ब्रांड जो है अपना एक प्रॉपर्टी जो है बिजनेस यूनिट जो है वो किसी और को क्या सेल कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सिडरी जो है वो आप दूसरे को सेल कर रहे हो, ठीक है, क्यों सेल कर रहे हो, ताकि उस सेल से कैश आ जाए, ठीक है, या तो कैश आएगा बदले में मैंने आपको बताया, या बदले में वो जिसको आप सेल कर रहे हो उसके शेयर्स आ जाए, ठीक है, क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि आपके बिजनेस स्ट्रेटजी में वो हिस्सा फिट नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, सब्सिडरी या वो जो बिजनेस लाइन है वो फिट नहीं बैठ पा रही है, दैट्स वाई पेरेंट कंपनी जो है उसको अलग कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली देखो फ़ायदा होता है, फ़ायदा बहुत होता है, फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूँ, और बेनिफिट्स में मैं बात करूँ सेलर की, ठीक है, तो सेलर के पास क्या है, सेलर के पास हुआ इनफ्लो आया, ठीक है, अब वो इस इनफ्लो को यूज़ कर सकता है कहाँ,
यूज कर सकता है मे बी अपना डेट पेमेंट में, यूज कर सकता है डेट पेमेंट में, ठीक है, या यूज कर सकता है इन्वेस्टमेंट में, अपना जो अदर इन्वेस्टमेंट है वो कर दिया, ठीक है, तो उसको तो मिल गया, इनफ्लो आया उसको डेट पेमेंट या अदर इन्वेस्टमेंट में उसने यूज कर लिया। बायर को क्या फायदा है कि बायर को एक बना बनाया बिजनेस मिल गया, स्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल गया, ठीक है, उसको जो है एकदम बेसिक से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, उसको बना बनाया बिजनेस मिल गया। तो ये अगर देखा जाए तो ये फायदा होता है, ठीक है, सेलर के लिए मे बी नेगेटिव सिनर्जी हो रही हो, उस बिजनेस से नेगेटिव सिनर्जी हो रही हो, उसको अलग करके अब उसका नेगेटिव सिनर्जी क्या हो गया, मतलब कि कुछ बढ़ नहीं रहा था और उस पर ध्यान बट रहा था, तो वो अब ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अपने दूसरे बिजनेस, ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, राइट। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेना चाहें सेल ऑफ का, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब एच डी एफ सी ने ग्रो फाइनेंस को, ठीक है, बंधन बैंक को सेल किया था, बंधन बैंक को सेल किया था, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, जब HDFC ने ग्रो फाइनेंस को बंधन बैंक को सेल किया था, तो बेसिकली यहाँ पर जो HDFC के जो पर्सन थे दीपक पारेख, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ग्रो फाइनेंस को हमने एक बच्चे की तरह बड़ा किया है और अब इसको जो है हम ससुराल भेज रहे हैं, बंधन बैंक के पास भेज रहे हैं। तो बेसिकली क्यों इन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जो ग्रो फाइनेंस था वो HDFC के साथ ही कम्पीट कर रहा था, ठीक है, तो नेगेटिव सिनर्जी आ रही थी क्योंकि HDFC के साथ ही ग्रो फाइनेंस कम्पीट कर रहा था। फायदा क्या हुआ, बंधन बैंक का जो प्रमोटर्स था वो प्रमोटर्स का हिस्सा क्या करना चाह रहे थे, डाइल्यूट करना चाह रहे थे, जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी उसको डाइल्यूट करना चाह रहे थे बंधन बैंक वाले, तो उन्होंने जब ग्रो फाइनेंस को बाय कर लिया तो उनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी वो डाइल्यूट हो गई, ठीक है। और इस ढंग से आपने देखा कि HDFC ने अपना एक पूरा जो बिजनेस था ग्रो फाइनेंस का वो बंधन बैंक को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप आपको सेल ऑफ समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट सेल कर दिया, राइट। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं दूसरा, स्पिन ऑफ। अब देखिए स्पिन ऑफ में क्या होता है, स्पिन ऑफ में भी यही होता है कि पार्ट ऑफ बिजनेस जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है और एक अलग कंपनी बना दी जाती है, ठीक है, मतलब कि एक पार्ट ऑफ बिजनेस, एक जो एग्जिस्टिंग एज एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसका एक पार्ट अलग कर दिया गया, ठीक है, एक पार्ट अलग कर दिया गया और ये पार्ट अब सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। लीगल एंटिटी मतलब कंपनी जो है, सेपरेट कंपनी या LLP जो भी है वो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेन बात ये है कि इसमें ओनर दोनों सेम ही रहेंगे, ओनर सेम ही रहेंगे, मतलब जैसे पूजा श्री के अंडर में सपोज एक ही कंपनी में दो बिजनेस चल रहे हैं और पूजा श्री ने अभी एक कंपनी के अंडर में ही दो बिजनेस चलाया हुआ है, लेकिन अब पूजा श्री ने एक बिजनेस को अलग कर दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने दो बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, एक सपोज एडवोटेक चल रहा है और एक मातृसा ब्रांड चल रहा है, अभी एक ही जो है लीगल एंटिटी के अंदर ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर अगर मैं एडवोटेक के लिए एक अलग LLP या कंपनी बना दूं और मातृसा के लिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इसी के अंदर मैं चलाऊं, राइट, तो जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑफ। लेकिन वो जो दूसरी कंपनी बनाएंगे उसमें भी शेयर होल्डिंग मेरी या मेरी फैमिली की ही रहेगी, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स की रहेगी, तो ओनरशिप क्या है, सेम, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओनरशिप क्या है, सेम है। तो ओनरशिप सेम रखने का मतलब क्या हुआ कि अब वो जो नई एंटिटी बनेगी, ठीक है, उसके भी जो शेयर्स होंगे वो हमारे ही पास रहेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैश नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर वाले को तो सेल कर नहीं रहे शेयर्स के बदले, हम एक और बस एक कंपनी और बना दे रहे हैं। पहले हम एक ही कंपनी में दो बिजनेस चला रहे थे, अब एक बिजनेस को उठाकर मैंने एक
अलग कंपनी में डाल दिया ताकि उसका अकाउंट्स हिसाब किताब सारा जो लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह है उसकी अलग रहे, और मेरी वाली कंपनी की जो अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो मतलब पहले वाले बिजनेस की अलग रहे, दूसरे की अलग रहे, दोनों का एक कंपनी में ना हो, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो क्या रहे, अलग अलग, तो इसलिए क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको स्पिन ऑफ में बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, ठीक है, जो आपने डिवीजन अलग किया उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, ठीक है। बेसिकली किया क्यों जाता है, टेक ओवर अटेम्प्ट, मतलब कोई अगर आपकी कंपनी को बाय करना चाह रहा है, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एल एंड टी ने अल्ट्राटेक सीमेंट को अलग सेपरेट लीगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया था ताकि हॉस्टाइल टेक ओवर, ये क्यों किया था, टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ कुमार बिरला, ठीक है, कुमार बिरला के हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए ये चीज की गई थी। इसको हम जो मतलब कि कह लीजिए स्ट्रैटेजी होती है, इसको क्राउन ज्वेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, टेक ओवर से बचने के लिए डिफेंस स्ट्रैटेजी क्राउन ज्वेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कि जो अट्रैक्टिव पार्ट है जिसके कारण आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर करना चाहती है, उस अट्रैक्टिव पार्ट को आप अलग कर दो, ठीक है, ताकि आपकी कंपनी का टेक ओवर करने का जो है अब अट्रैक्टिव ना रह जाए आपकी कंपनी, ठीक है, उसका जो क्राउन ज्वेल है मतलब मेन जो प्रॉफिटेबल पार्ट है उसको अलग कर दो, ठीक है, ताकि जो है आपकी कंपनी का टेक ओवर ना हो पाए। तो बेसिकली टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो टू क्रिएट सेपरेट रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड लाइन्स ऑफ बिजनेस, आप अलग अलग बिजनेस जो है अलग अलग कंपनी के अंडर में यहाँ पे करवाओगे, लेकिन मेन चीज़ स्पिन ऑफ में ध्यान रखने की बात है कि नई कंपनी और जो आपकी डीमर्ज्ड कंपनी है उन दोनों में ओनरशिप जो है वो सेम पर्सन की है, कोई कैश वगैरह नहीं आता है, बस कंपनी यहाँ पर क्या है अलग कर देते हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ है यहाँ। अब यहाँ पे हम एक और देख रहे हैं स्प्लिट अप। स्प्लिट अप को हम जो है एक तरीके से कंप्लीट, जो मैं बात कह रही थी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सब हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल डीमर्जर पढ़ा था, ठीक है, आप इसको कह सकते हो कंप्लीट डीमर्जर। अब ऐसा क्यों बोला मैंने कंप्लीट डीमर्जर, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे डीमर्ज्ड कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, यहाँ पे डीमर्ज्ड कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, पैरेंट कंपनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल और केवल न्यूली क्रिएटेड एंटिटी सर्वाइव करेगी। मतलब जैसे अगर कोई ओल्ड कंपनी है और ओल्ड कंपनी जो है ए बी सी डी रिजल्टेड कंपनी में जो है बढ़ गई, तो ये न्यूली वाली कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, ये न्यू वाली एग्जिस्ट करेगी और ये जो है ओल्ड कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर पेरेंट कंपनी जो है उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, केवल जो न्यू कंपनीज है वो जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो फायदा क्या है भाई, छोटा छोटा हो जाता है तो कंट्रोल करना क्या है आसान होता है भाई, बढ़ गया स्मॉलर इन साइज हो गया, अब उसको जो है मैनेज करना क्या है आसान है, राइट। जैसे कि आप कह सकते हो एक अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी थी, ठीक है, AT&T, ठीक है, AT&T ने अपना बिजनेस जो है अलग अलग कर दिया था, मतलब टेलीकॉम की कंपनी थी, ठीक है, टेलीकॉम की कंपनी थी और इसने जब डीमर्जर किया तो अपने वायरलेस बिजनेस को अलग कर दिया, वायरलेस ब्रॉडबैंड, ठीक है, और कंज्यूमर बिजनेस को अलग अलग कर दिया और जो मेन कंपनी थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डीमर्जर, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्विटी कार्व आउट्स। इक्विटी कार्व आउट्स क्या होता है, इक्विटी कार्व आउट्स आप कह सकते हो स्पिन ऑफ से मिलता जुलता होता है, ठीक है,
कि आपने अपनी कंपनी का एक हिस्सा क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। डीमर्ज कंपनी ने अपना जो है एक हिस्सा जो है अलग कर दिया। अब रिजल्टिंग कंपनी जो होगी, स्पिन ऑफ में क्या होता था कि डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी दोनों में शेयर होल्डर्स पुराने ही वाले होते थे, ठीक है। रिजल्टिंग कंपनी में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है थोड़े से शेयर्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, थोड़े से शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को चले जाएंगे, पब्लिक यानी आउटसाइडर्स को चले जाएंगे, ठीक है, थोड़े से शेयर्स, राइट। और जो कंट्रोलिंग शेयर्स हैं, मेन जो कह लो कि कंट्रोलिंग शेयर्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोलिंग शेयर्स जो हैं वो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही रहेंगे, ठीक है, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही रहेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो स्पिन ऑफ की तरीके से है, इन्होंने पूरा लीगल एंटिटी अलग कर दी, अपनी बिजनेस का एक हिस्सा अलग किया, उसके लिए एक अलग से कंपनी बनाई या लीगल एंटिटी बनाई, कंपनी बनाएंगे क्योंकि यहाँ शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। उस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स से अपने पास रख के कंट्रोलिंग नंबर ऑफ शेयर्स यानी 50% से ज़्यादा, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि कुछ शेयर्स जो है बाहर वालों को इशू कर दिए, समझ में आ रही है बात। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी कार्पोर्ट्स, इसको हम बोलते हैं इक्विटी कार्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, ठीक है, यहाँ पर पेरेंट कंपनी जो है शेयर्स मार्केट में इशू जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, ठीक है, उसके मैक्सिमम हिस्सा जो कंट्रोलिंग शेयर्स है वो किसने रखे होते हैं, पेरेंट कंपनी ने अपने पास रखे होते हैं, और थोड़े से जो शेयर्स हैं वो बाहर वाले शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डीमर्ज कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि कंट्रोलिंग शेयर्स किसके पास है, डीमर्ज के पास है, और ये जो रिजल्टिंग कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, क्योंकि इन्हीं के पास जो है पूरे के पूरे मतलब कंट्रोलिंग शेयर्स जो है डीमर्ज कंपनी के पास है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पिन ऑफ जो था वो होली ओन्ड कंपनी था, होली ओन्ड मतलब 100% शेयर्स किसके पास थे, डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के पास थे, इन द केस ऑफ स्पिन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का केस है थोड़े से माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम 50% से ज़्यादा शेयर्स डीमर्ज कंपनी के पास ही है, थोड़े से शेयर्स जो है बाहर वालों के पास। जबकि स्पिन ऑफ को होली कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि स्पिन ऑफ के केस में सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो डीमर्ज कंपनी के पास ही होंगे, होली ओन्ड, राइट, ठीक है। लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस और डीमर्जर। देखो इंडिया में ना मैक्सिमम आप कह सकते हो 80% जो कंपनीज हैं वो फैमिली मैनेज्ड बिजनेस में है, ठीक है। इसको मैंने डीमर्जर के पार्ट में यहाँ पे डाल लिया है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो मेन जितने टाइप्स थे वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द फैमिली ओन्ड कंपनीज जो है ऑब्वियस सी बात है, फैमिली बिजनेसेस जो है मतलब जो फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं वो बिजनेस को चला रही होती हैं, ठीक है। तो अब तो एक तो चीज़ ये है कि उनको जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक चीज़ ये कह सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अलग अलग टाइप का, अभी ये फैमिली बिजनेस है तो बंटवारा होता है, सक्सेशन प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो जैसे ही उनकी वैरायटी ऑफ सक्सेशन प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो आप टाइप्स ऑफ डीमर्जर पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग वो जो है किसी भी टाइप का जो है डीमर्जर जो है हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनकी कोर एक्टिविटीज़ क्या है, कोर ऑपरेशंस कौन से हैं और नॉन कोर ऑपरेशंस कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन कोर ऑपरेशंस को अगर बेचेंगे और जो पैसा आएगा उससे ही अपना डेट क्या करेंगे, पे कर देंगे, ठीक है, डेट जो है पे कर देंगे, या अपना जो पहले का बिजनेस है उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, या जो पैसा आएगा उसको नई जगह जो है
और बिजनेस खरीदने में एक्वायर करने में करेंगे, मतलब मेन चीज ये रहती है कि पूरे फैमिली में अलग अलग ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, सबको बांटना है, सबके लिए बिजनेस करना है, तो कैसे अलग अलग बिजनेस सबके लिए सेटल किया जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में जो फैमिली मैनेज्ड बिजनेस है, सक्सेशन प्रॉब्लम्स के कारण जो है इनका डीमर्जर होता है। राइट, आई होप आपको टाइप जो है वो समझ में आ गया। थैंक यू।